हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो, तो इस चैप्टर को हमने चार अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो मराठी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश टू हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से, राइट, सो हाउ बेसिकली यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड यू कैन अंडरस्टैंड एवरी वर्ड एंड द सेंटेंसेस फ्लो, राइट। सो प्लीज if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना video English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी question answer by heart करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, you can write on your own, that is very important. So हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश मराठी सारी चीजों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा और हम जो है इस सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए, बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। चैप्टर 8, नेचुरल रिसोर्सेस। ऑब्जर्व एंड थिंक अबाउट द पिक्चर गिवन इन द फिगर 8.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पॉइंट 1, व्हाट डू यू सी इन पिक्चर, इन दिस पिक्चर। पॉइंट 2, हाउ मेनी ऑफ दिस एनिमल और प्लांट डू यू नो। पॉइंट 3, विच ऑफ दिस थिंग हैव यू सीन इन रियलिटी। Point 4, have you ever used these things or seen them being used? Point 5, which of our needs do some of these fulfill? Point 6, what probable use of the unused thing can we think of? Find more information about the thing you could not identify. Explanation. We see many things on earth. Some of these are quite familiar to us. However, we do not necessarily use all of them. We have learned to use some of things that are available in nature. For example, water. Natural thing. The natural thing that man
uses are called natural resources. Man fulfills his needs using these natural resources. Air, water, soil, land, mineral, plant, animal are all natural resources. Most of the natural resources are limited in nature. Therefore, they are invaluable. Of these, air is such resources that it is available in plenty. This resource never depletes. However, its quality can change. We need air for various purposes, right from breathing to burning. Figure 8.2 and 8.13 give us idea about how we use some of natural resources. Can you tell, observe all the figure from 8.2 to 8.13 and discuss them in class? It is necessary to that each of things shown is considered. For this, use the following points. It is necessary that each of the thing used is considered. For this, use the following point. What different activities are individual in picture engaged in? What thing will they obtain through these activities? What are animal in picture doing? What is used of tall device in figure 8.12 raised on the ground? What is being loaded in the truck? What are we going to get from it? Where are all of these human activities being performed other than fishing? Explanation. In some of the figure, man is shown doing different tasks. Each of the tasks is related to some resource. Let us consider each of these resources. In figure 8.2, man is seen plugging the land. The farmer plugs the soil layer and makes the land cultivable. In this cultivable land, he grows various crops and fulfills his own and other need for food. For this purpose, he uses the soil that is naturally available on land resources. Soil is used all over the world, and therefore soil is very important resources for agriculture. Soil formation mainly depend on original rock, climate, organic compound, slopes of land and time. According to the type of rocks, climate in different region, different type of soil are formed. A long period is required for formation of mature soil. As it is very slow process, a period of about 1,000 years may be required for development of 2.5 centimeter thick layer of soil. Figure 8.3 and 8.5 shows a man catching fish and another drawing water from a well. In these pictures, man is seen using the natural resources water for fulfilling his need. Right from the time we get up in the morning, we keep on using water till we go to the bed at night. This shows how important water is as natural resources. The entire living depend on resources. See figure 8.9. It shows how we obtain salt from sea water. We make use of salt in our day-to-day life. Water is available in huge quantities on the earth. Of this, a large quantity is salty. Only some quantity of total water is usable. A very meagre quantity of water is available for use. However,
Even this much water is sufficient for all of us. Figure 8.6 shows some individual collecting wood from the forest. Similarly, people are shown collecting different items from forest like honey, resin, rubber, latex, etc. In order to fulfill our need, we collect various products from plant in nature. There are various plants on land surface. Plants are broadly classified as grass, herb, shrub, and trees. Man has successfully experimented with some grasses to obtain food grains. This helped him to avoid painful wandering of gathered food. He began to live a settled life. The basins of huge Huanghe, Sindhu, Indus, Nile, and Euphrates are some of the area where such settlement flourished in the past. We have studied this in Standard 5, see Figure 8.15. We obtain product like wood, rubber, resin, fruit, medicinal plant, etc. from forest. If we consider the region from the equator to the pole as per the temperature zone, we will find the following type of natural vegetation: equatorial evergreen, deciduous tropical grassland, thorny scrub, temperate grassland, mixed forest, broad-leaved carnivorous, and tundra. Many animals make these forests their habitat. Animals who prey on plant-eating animals also live in the forest. Thus, many food chain develop in the forest. Forests or grassland are habitat of many animals. It is basically due to plant that we have got animal as natural resources. Plant also grown in water. It is very likely that in future we continue. It is very likely that in future we shall have developed aquatic plant for fulfilling the need of growing human population. Figure 8.13 shows an ass carrying a load. Man makes use of animal for variety of reasons. Horse, oxen, camel, asses, etc. are the animal employed for plugging, riding, transporting goods, etc. Goats, cows, buffaloes are used as milk animal. Meat, egg, bony powder, hide, etc. are other product we get from animal. In figure 8.7 shows that rock is being loaded into truck from mining areas. We have seen earlier that rock is a mixture of minerals. Minerals are inorganic substances that form in naturally occurring chemical process. We get different metal and chemical from minerals. Some chemicals are used in preparing different medicines. Minerals are generally classified as metallic and non-metallic minerals. Metallic minerals are used for obtaining different metals such as iron, bauxite, etc. Non-metallic minerals are used in obtaining various chemicals like gypsum, salt, rock, calcite, etc. In all the figure except for fishing, all the activities of obtaining natural resources are being carried out on land. This means that land is also natural resources. Living things that are born on land grow, live, and die on land itself. Land is invaluable resource. That is why it is sold and bought.
obtaining land at strategic location using its construction as well as trade are some other use of these resources. Depending on the characteristics like physiogeography, soil, climate, mineral and available of water in different region of the world, land is used for various purpose. The proportion of land on earth is 29.20% depending on characteristics of land and climate. Various living things are found on land in different proportion. The distribution of these living organisms, including human, is not uniform. All living things try to adapt to the various geographical conditions like rocky terrain, steep slope, flat plain, mountain region, forest covered area, river basin, etc. Man alone attempt to make changes in every prevailing condition to suit his need. Every living thing make use of natural resources according to its need. However, man started using many of these resources for himself alone with the help of intellectual power. Later, the increase of population and greed of human lead to exploitative use of resources. This began to upset the balance of nature. This means that is necessary that man also must use natural resources only according to his need and judicious manner. What will you do? Consider that you have gone for stay at Mangaluham Hill. You observe the condition of the people who lived there is not good. Many people take food only once in a day. Most of the people in the hamlet are engaged in work of dressing stone. There are vast forests around Mangaluham Hamlet. A number of stream, brooks, waterfall, hills, etc. have made the region beautiful. There is good potential of tourism. What can you do to change condition of peoples in Mangaluham Hamlet? Always remember, man has depend on nature for many things. Whatever the extent of his progress, nature is not for man alone. It belongs to other living thing too. Therefore, we should always use natural resources judiciously. I can do this. Identify the natural resources. Remember that the natural resources have to be used in a judicious manner. Tell the use of different natural resources. Exercises. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट? और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा. सो प्लीज, आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट? सो प्लीज, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट? अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ. जैसे देखिए, यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट? 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो. ये है ट्यूशन आपका. ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो. टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं. सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट? और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं. हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहां पर. वहां ज्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन
कोचिंग करना प्रॉब्लम है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इम्प्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीजों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट, सो ये सारी चीजें जब आप करोगे धीरे धीरे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको, ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप क्लिक करिए, वहां पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए, उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से आपको लॉग इन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा एक दो दिन परेशानी होगा लेकिन एक दो दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलोअप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो, और फिर हर रोज डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीजें आप करोगे, करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मजेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पर ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।